समस्या आपके सामने रखी। देखिए, हमको जानकारी है कि हमारे प्रायः 3 वर्ष पूरे हुए हैं, तो हमने 3 वर्ष के अंदर सरकार की ओर से और केंद्र सरकार के 3.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इस नाते से जो भी हमारी उपलब्धियां रही हैं वो सब कार्यकर्ताओं के सामने गई हैं और एक सफल कार्यकाल हमारा 3 साल का हुआ है। और इसमें विशेष तौर पर ये कहूंगा कि कार्यकर्ताओं को हमने ये बताया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और बिना मुद्दों के उल्टी सीधी इधर उधर की जो बातें करते हैं उनकी जानकारी भी हमने कार्यकर्ताओं को दी है। और इसी संदर्भ में अगला जो सत्र आने वाला है हमारा 23 तारीख से शुरू होने वाला है, उस सत्र में भी जिस भी प्रकार की बात जो बिना किसी आधार के जो बातें विपक्ष उठा रहे हैं अभी मीडिया में और वहां भी जो प्रश्न करेंगे निश्चित रूप से उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और हम आगे की जो योजनाएं हैं वो सारी बना रहे हैं। कार्य समिति में हमारा 4वां वर्ष जो शुरू होगा, एक प्रकार का हमारा जो ये क्रियान्वयन का वर्ष है, हमारी सारी योजनाएं वो पूरी लगभग हो गई हैं। 60% से ऊपर योजनाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं जो घोषणाएं मैंने की थी और बाकी जो बची हुई हैं वो सब पाइपलाइन में है, सब काम पूरे हो जाएंगे। अब हमारा अगला जो वर्ष है वो चुनावी तैयारी का वर्ष है, इसलिए चुनावी तैयारी के नाते हम आगे बढ़ेंगे। टोल प्लाजा हटवाने के लिए मुरथलवाला एक सामान्य समस्या है, चूंकि ये विषय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, इसमें प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने भी कुछ बातें कही हैं कि इसका समय थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, ये बात हम केंद्रीय सरकार से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से करेंगे। अब चूंकि जितना हम इसको लेट करेंगे अल्टीमेटली उतना वजन जो है वो जनता पर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो अब शुरू करें चाहे देर में। 3 टोल टैक्स हो चुके हैं। देखिए, क्योंकि टोल टैक्स तो हमेशा ये सब व्यवस्थाएं नेशनल हाईवे पर नहीं, उस प्रकार की बात।